इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ में। हाँ, इस वक्त अपडेट की बात करें तो नीमच जिले में लगातार चोरी लूट व धोखाधड़ी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठगी के नए तरीके सामने आ रहे हैं, इसलिए अब ऑनलाइन ठगी में इजाफा देखने को मिल रहा है। पुलिस समय समय पर लोगों को ऑनलाइन ठगी के बारे में जागरूक करती रहती है एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क करती रहती है, लेकिन ऑनलाइन का दायरा बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी में भी परिवर्तन आ रहा है। उनमें कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनमें बिना आपकी जानकारी के आपके खाते से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। कुछ मोबाइल एप्लीकेशन ऐसे हैं जिन्हें डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल शातिर बदमाश के पास पहुंच जाता है। ऐसा ही एक मामला रविवार सुबह नीमच शहर में घटित हुआ है। यहाँ एक वकील साहिबा के बैंक खाते से एक एक कर चार बार में खाते से कुल 73,632 रुपए चुरा लिए गए हैं, जिसके बाद वकील साहिबा ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत केंट थाने पर दर्ज करवाई है। पुलिस ने उनके आपबीती सुनकर शुरुआती तौर पर 420 का मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही जांच शुरू कर दी है। इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। जरासी चूक होने पर हजारों लाखों रुपए चंद मिनटों में आपके खाते से गायब हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुस्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जिले में बढ़ते अपराधों की बात करें तो अपराध जो है निरंतर जारी है। अगर हम लूट की बात करें, नकबजनी की बात करें, चोरी की बात करें तो आए दिन वारदात सामने आ रही है। अगर ऑनलाइन ठगी की बात भी करें तो ऑनलाइन ठगी के मामले में जो है निरंतर जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस पर कुछ नहीं लगा पाई। एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला भी हमारे आज सामने आया कि एक महापुरुष जो एक बैंक कर्मचारी बन के एक महिला के साथ जो है हजारों रुपए की गड़बड़ी होती है और उसके बाद पुलिस एक माह बाद जो है प्रकरण दर्ज करती है। तो बात करते हैं पीड़िता से, अर्पिता जी से, कि किस तरह से उनके साथ ऑनलाइन ठगी हुई और पुलिस ने उनको किस तरह से जो छकाया। नमस्कार मैडम, भाई संतोष चौहान, बताइए मैडम किस तरह से ऑनलाइन ठगी हुई। मैंने जो है एक यूनो बैंक डाउनलोड किया था क्योंकि मुझे कुछ ट्रांजेक्शन करने थे जो कि मेरे ATM के लिमिट से बाहर जा रहे थे। तो जब मैंने वो यूनो बैंक डाउनलोड किया तो उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, जिस वजह से मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, जो कि कस्टमर केयर नंबर ही मुझे गलत मिला और उसके थ्रू जो है वो बैंक कर्मी बन के कि हम कस्टमर केयर बैंक से बोल रहे हैं SBI से और ऐसा ऐसा है, और जो वो प्रोसेस बताते गए और मैं करती हूँ कुछ 24 से 25 मिनट मेरी उनसे वार्तालाप हुई थी। जो वो मेरे से जैसा बोलते गए एज ए कस्टमर केयर की यार आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आप ऐसे उसको एक्सेस करते रहो, इसके थ्रू उन्होंने मेरा मोबाइल हैक करने की एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी और उसके बाद उन्होंने मेरे अकाउंट में से 4 ट्रांजेक्शन की करते हुए मेरे अकाउंट में से 74,000 करीब कुछ गायब कर दिए मेरे अकाउंट में से। जैसे मुझे शक हुआ मैंने उनसे बोला कि आप फोन कौन रहे, सडन उन्होंने अपना फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद मेरा मोबाइल पूरा हैक हो गया था, मेरा मोबाइल फ्रीज हो गया था, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, मेरा ATM ब्लॉक हो गया था, मेरा अकाउंट तक मतलब फ्रीज हो गया था, एक तरीके से मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रही। उसके बाद मैंने सडन हाफ एन आवर्स मतलब 10:30 की ये बात हो गई, मैंने 11 बजे जब वहाँ आके SP ऑफिस में और साइबर सेल में मैंने इसकी आवेदन दिया और सूचना दी इस बारे में, तो उन्होंने सिर्फ इतना पता लगाया कि हाँ ऐसा हुआ है, हम जांच कर रहे हैं। जांच करने में इन्होंने पूरा 1 महीना लगा दिया। इस बीच में कोई सेटिस्फेक्शन वाला मुझे जवाब कभी नहीं मिला। हाँ ये अकाउंट नंबर मिला है, ये मिला है तो उसको अरेस्टिंग करनी चाहिए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके का कोई काम सरकार की तरफ से कभी नहीं हुआ, मुझे सिर्फ दौड़ाते रहे इधर से उधर। जब इनके बात ऊपर तक चली गई, मैंने 181 पे कंप्लेंट की, मैंने PG पोर्टल पे कंप्लेंट की, जब इनके बात ऊपर चली गई तब ये बुला रहे कि मैडम आ जाइए हम FIR को, पर अभी भी मुझे मेरा पैसा रिफंड नहीं मिला है, ना ही उन आरोपियों का कोई सुराग मिला है, ना ही उनकी अरेस्टिंग। कहीं ना कहीं ये सरकार की एक कमी है कि गूगल जैसी बड़ी जगह जहाँ पे हर लोग हर जना जाके सर्च करता है, सब कुछ ढूंढता है, वहाँ पे अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार की कमियाँ हैं ये, जो इतना बड़ा फर्जीवाड़े को बढ़ावा दे रही है। तो सबसे बड़ी सरकार है जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। SBI एक गवर्नमेंट बैंक है, उसका जो ऐप है यूनो बैंक, अगर आप प्ले स्टोर गूगल पे सर्च करेंगे तो हज़ारों यूनो बैंक मिलेंगे आपको, इसमें से सही कौन सा है आप भी नहीं जानते, ना बैंक कर्मी जानते यहाँ जो बैंक। तो ये उच्च अधिकारियों के काम है कि उन्हें इन सब चीज़ों को हटा के सिर्फ एक यूनो बैंक जो प्रॉपर है उसी को लाना चाहिए, आपको जाँच करनी चाहिए हर दूसरे तीसरे दिन, आपको देखना चाहिए। तो ये फोर्ड उसी से रुकी नहीं, क्योंकि ये आगे से आगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बढ़ता जा रहा है, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसके ऊपर, इसीलिए ये साइबर क्राइम के अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। केंद्र का इन लोगों का था कि ये लोग इनके ऊपर ध्यान देते हैं, आज हम लोग जो पढ़े लिखे हैं इन चीज़ों को जानते हैं उनके साथ इतना कुछ हुआ है, तो जो आम नागरिक है
जिनको इन चीज़ों की नॉलेज तक नहीं है उनके साथ कितना कुछ हो रहा है, और वो शायद पहुँच भी नहीं पाते इस लेवल तक कि हम FIR दर्ज करें। क्या मानना है मैडम कि कहीं ना कहीं सरकार की कमी या पुलिस की नाकामी माने कि आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आप खुद एडवोकेट है, आपको अगर FIR कराने में जब आपको एक माह से ऊपर लग गया तो आम आदमी के साथ तो कितना कुछ गलत होता होगा, क्या कहना? ये तो बिल्कुल सही है कि आम नागरिक के साथ तो क्या कुछ होता होगा कोई बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ सुनने वाला कोई नहीं बैठा है, आपको सिर्फ आश्वासन देंगे हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक महीने में आपने क्या कार्रवाई की? मुझे SP ऑफिस से फ़ोन आते हैं कि मैडम आप जानते नहीं हो लॉ क्या होता है, पहले इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट होगी फिर FIR होगी। तो मुझे उनको बोलना पड़ा, मैंने कहा सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी आप FIR तो बांटिए। तो वो मुझे बोलते हैं आप लोगों को नहीं जानते तो आप इस तरह की बातें मत, मतलब इतनी बुरी विडम्बना है कि लोगों को सिर्फ दबाया जा रहा है, उनको धमकाया जाता है कि आपको कुछ नहीं पता है हम जो कर रहे हैं वो, ना ही किसी तरह का कोई कार्रवाई कोई पुलिस कर रही है, ना सरकार कर रही है, ना ऊपर बैठे अधिकारी कर रहे हैं। बैंक से भी मुझे फ़ोन आया था, मैंने बैंक वालों को भी ये बात बोली कि आपकी एप्लीकेशन इतनी सारी आपकी इसमें आपको हटानी चाहिए, जो सही है उसको रखो जो गलत है उनको डिलीट करो। तो मैंने ये हम थोड़ी करेंगे, ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या सही है क्या गलत है, हम यही काम थोड़ी करेंगे बैठ के। तो ये तो आपकी गवर्नमेंट की नाकामी है कि आज इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, आज गूगल पे फोन पे भीम ऐप ये भी है, इनका तो कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, यूनो की ही क्यों फर्जीवाड़ा इतने कहीं ना कहीं आप साफ दे रहे हो सरकार इसमें सहयोगी है, इसीलिए ये आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे अपराध आगे निरंतर होते रहेंगे अगर सरकार ने कोई कदम नहीं। तो ये थी अंकिता जैन जिन्होंने बताया कि अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार भी जो है सरकार की लापरवाही पुलिस की नाकामी के कारण ही जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अगर ऐसे अपराध पुलिस ने अगर अपनी ये था अब तक अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ MP पर। जय हिंद जय भारत।